नमस्कार, शुरू किया आपने देखना धर्म दुबे को और देसी भारत पर आप हैं, मेरे साथ नीलम मैम हैं और ये देखिए पूरा का पूरा थाली चट्ट कर गई हैं। होली सेलिब्रेशन है, स्वीटी छाबड़ा अभिनेत्री हैं, उन्होंने एक बहुत शानदार पार्टी का आयोजन किया है जहाँ पे इंडस्ट्री के काफ़ी लोग हैं एंड आप कुछ ज़्यादा ही एकदम मतलब एंजॉय कर रही हैं। मैम कैसी हैं? सबसे पहले धर्म जी के सारे दर्शकों को प्रणाम, हैप्पी होली, सारे बड़न के गुड़ लक के पैर छुआ तनी और खुश रहीं, मस्त रहीं और इनकर बात पर बिल्कुल ना जाई, हम दुए को लिट्टी खेले बनी। ठीक है, मेरी बात पे आप नहीं जाएं लेकिन नीलम मैम के बात पे तो आप जा ही सकते हैं। मैम होली कितनी इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, अगर कुछ एक किस्सा याद करना हो तो क्या कहेंगी? होली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, होली के रंगों से तो हमारे जीवन में रंग भरते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। सुबह से खेल रही हूँ, भीग रही हूँ, उसके बाद भी पार्टी में आई हूँ, तो सोचिए होली कितना महत्वपूर्ण है। और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है होली में, एक दूसरे को जानते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, छेड़ते हैं, जिस तरह धर्म से तब से मैं धर्म को छेड़ी जा रही हूँ, तो मज़ा आता है होली। होली और दिवाली दो त्यौहार है जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत प्यारा है। अच्छा, पहले तो इंडस्ट्री के काफ़ी लोग पार्टियाँ दिया करते थे, आजकल एकदम 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 विलुप्त तो हो गया है ही नहीं। ऐसे में स्वीटी छाबड़ा जी ने पार्टी रखी, हम लोगों को मिलाने का एक बहुत बड़ा, स्वीटी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है, क्योंकि वाकई पहले बहुत सारी पार्टियां होती थी, होता था, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा सब चीज़ें हिल गई हैं, आधे लोग यहाँ होते नहीं हैं, आधे हैं यहाँ पे, तो कोई कहीं है, कोई शूट पे है, कहीं कुछ है। इस मामले में स्वीटी ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक बार फिर हम सबको एक ही जगह एक ही छत के नीचे बुला लिया और होली मनाने का एक बहुत अच्छा अवसर दिया। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ खाने के लिए काफ़ी चीज़ें रखी हैं, वैसे आपकी ज़ुबानी अगर जानना चाहें तो क्या क्या है खाने में भाई? खाने में है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो भी यहाँ आया है वो लिट्टी चोखा ज़रूर खाना चटनी के साथ, कमाल है। मेरा क्या कहते हैं, पेट भर गया, मेरा दिल नहीं भर रहा है, बार बार नज़र उसी तरफ जा रहा है, लेकिन खा नहीं सकती, और बहुत कमाल, बहुत कमाल, बहुत कमाल। भांग पिया आपने? भांग पीने की चीज़ है। अच्छा, खाया क्या? खाने की चीज़ है। सूंघा क्या? देखा भी नहीं रे पगला। अच्छा मैम, वैसे ही नशे में रहती हैं और हमेशा एनी टाइम अपनी बातों अपने जज्बातों की वजह से, एक थोड़ा सा सीरियस पॉइंट है, अगर आप चाहें तो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। अच्छा, मैं पूछ ही लेता हूँ, आप तो मेरा मूड हुआ तो। हाँ ठीक है, एक बहुत बड़ा शो चल रहा था कल, सुपरस्टार पवन सिंह जी स्टेज पर खड़े थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे, अचानक किसी बंदे ने एक ज़ोरदार बड़ा सा पत्थर मारा जो इनके कान के यहाँ पर आकर लगा है। अगर ऐसा किया है जिसने भी किया है, बहुत ही गलत बात है, किसी भी कलाकार पे चाहे वो कोई भी हो, मैं इंसान का नाम या ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन कोई भी हो अगर स्टेज पे शो कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर किसी ने भी ये किया तो ये बहुत ही निंदा की बात है और बहुत ही गलत बात है, इसको समर्थन बिल्कुल नहीं करती, बहुत ही गलत बात है।